1760 में आज ही के दिन मीर जाफर के बेटे मीरान की गंडक नदी के किनारे बिजली गिरने से मौत हुई। 1776 में आज ही के दिन अमेरिका के 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया नगर में इस देश की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, इसीलिए इस दिन को अमेरिका की आजादी के तौर पर जाना जाता है। 1789 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा और निजाम के साथ टीपू सुल्तान के खिलाफ संधि की। 1848 में आज ही के दिन फ्रांसुआ वाशा टोब्रियां नामक फ्रांसीसी कवि का निधन हुआ। 1865 में आज ही के दिन मशहूर अंग्रेजी उपन्यास एलिस इन वंडरलैंड का प्रकाशन हुआ। 1886 में आज ही के दिन कनाडा की पहली अंतर महाद्वीपीय ट्रेन ब्रिटिश कोलंबिया के पोर्ट मूडी पहुंची। 1898 में आज ही के दिन भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का जन्म हुआ। गुलजारी लाल नंदा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न वर्ष 1997 में और दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 1902 में आज ही के दिन साहित्य दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में वर्ष 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1934 में आज ही के दिन लियो जिलार्ड ने परमाणु बम के चेन रिएक्शन का पेटेंट कराया। 1947 में आज ही के दिन ब्रिटिश संसद के सामने भारतीय स्वतंत्रता बिल का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके तहत देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ। 1963 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का निधन हुआ। वो महान स्वतंत्रता सेनानी एवं कृषि वैज्ञानिक भी थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया के सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। 1996 में आज ही के दिन रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन पुनः 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1997 में अमेरिकी यान सोजर्नर मंगल ग्रह पर पहुंचा। 1998 में आज ही के दिन ब्रिटिश के एक पावर बोट द केबल एंड वायरलेस एडवेंचर ने 74 दिन 20 घंटे और 38 मिनट में यात्रा पूरी करके सबसे शीघ्र विश्व भ्रमण का रिकॉर्ड तोड़ा। 1999 में आज ही के दिन लिएंडर पेस और महेश भूपति ने विंबलडन में पुरुष युगल का खिताब जीता। 2005 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया में डॉल्फिन की एक नई प्रजाति स्नफ फिन खोजी गई।